मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास तथा एलायंस एयर की ICS उड़ान के अंतर्गत गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर खंड में नई फ्लाइट का बटन दबाकर शुभारंभ किया तथा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टर्मिनल भवन के निर्माण पूरी होते ही 200 और यात्रियों के ठहराव की अतिरिक्त क्षमता बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर से लखनऊ की फ्लाइट का किराया 1470 होगा तथा उन्होंने कहा कि गोरखपुर लखनऊ उड़ान सेवा के साथ ही प्रयागराज से भोपाल भुवनेश्वर आगरा से भोपाल बेंगलोर सहित 5 शहरों को उड़ान सेवा प्रारंभ हुआ है और 29 मार्च को आगरा से मुंबई और अहमदाबाद के लिए भी उड़ान सेवा प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित एवं समयबद्ध सेवा प्रदान करने हेतु यात्रियों की मांग के आधार पर भारत सरकार के सहयोग से और उड़ान सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर CM योगी ने नई वायु सेवा की उड़ान की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूर्वांचल वासियों को टर्मिनल भवन का शिलान्यास तथा हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ है तथा प्रदेश में 4 वर्ष पहले वाराणसी लखनऊ को छोड़कर अन्य हवाई सेवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, लेकिन वर्ष 2017 से इसमें काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा गोरखपुर से वर्तमान में प्रमुख शहरों नई दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलुरु हैदराबाद व प्रयागराज के लिए फ्लाइट की सुविधा है और रविवार से गोरखपुर से लखनऊ के लिए उड़ान सेवा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में काफी बड़ा एयरपोर्ट तैयार होगा। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में तैयार हो रहा है तथा कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से शीघ्र ही वायु सेवाएं प्रारंभ होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर 17 मंडल जनपद मुख्यालय जैसे झांसी अलीगढ़ आजमगढ़ मेरठ सोनभद्र ललितपुर आदि में एयरपोर्ट बन रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हवाई सेवा केवल समय की बचत ही नहीं करता बल्कि विकास को तीव्र गति प्रदान करता है। इस अवसर पर भारत सरकार के नगर विमानन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। यहां मेट्रो लाइन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार उड़ान सेवा का लाभ देश के आम नागरिकों को मिले, इस दिशा में कार्य प्रगतिशील है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 17,75,000 से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं और 12,56,000 कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत योजना स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उन्होंने कहा कि नए एयरपोर्ट टर्मिनल के तैयार होने की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस टर्मिनल के निर्माण के बाद यात्रियों को काफी सहूलियत होगी और गोरखपुर से उड़ानों की संख्या भी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सिविल एविएशन पॉलिसी बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, संगीता यादव, महापौर सीताराम जायसवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजय पांडियन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अभिवादन आदरणीय अभिवादन बारंबार स्नेह सिक्त कणकण बने आदर सहित प्रणाम उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर श्री वंदन एवं अभिनंदन हार्दिक स्वागत माननीय नागर विमानन मंत्री उत्तर प्रदेश तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी सरकार हार्दिक स्वागत माननीय राज्यसभा सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी का एवं साथ ही साथ हार्दिक स्वागत का आज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर खंड के नई फ्लाइट के शुभारंभ के अवसर पर प्रथम अतिथि के स्वागत हेतु हम सभी आदरणीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत को प्रदान कर हार्दिक स्वागत करें। साथ ही साथ स्वागत करें मंत्री हरदीप सिंह पुरी सर का हार्दिक स्वागत। साथ ही पीस लिली के पौधे के आरंभ हेतु उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री माननीय सांसद एवं माननीय विधायक दीप ज्योति आप सभी आदरणीय महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।
यह हम सभी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी एवं अन्य सम्माननीय अतिथिगणों के कर कमलों द्वारा आज गोरखपुर टर्मिनल भवन के विस्तारीकरण का आधारशिला रखी जा रही है। यशस्वी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के अथक प्रयासों तथा हमारे माननीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में नए नए एयरपोर्ट का विकास और प्रचलन किया जा रहा है। अभी हाल ही में बरेली से हमने दिल्ली बरेली की फ़्लाइट शुरू की, इंडिगो कुछ नई फ्लाइट शुरू करने वाला है। 85 करोड़ की लागत से नई टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया जो कि ऑपरेशनलाइज किया गया। आगरा से आज ही 2 नई फ्लाइट शुरू हो रही हैं अहमदाबाद और मुंबई के लिए, कुछ और फ्लाइट बहुत जल्दी शुरू होंगी आगरा से। प्रयागराज में भी आज भुवनेश्वर और भोपाल के लिए फ्लाइट शुरू हुई हैं। कुशीनगर जो कि एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थल है यहाँ पर, जिसका विकास राज्य सरकार द्वारा किया गया और उसके बाद उसमें एक नई टर्मिनल भवन हमने बनाया है एक नई तकनीक से, जर्मन टैंक, जो कि भारतीय भवन पत्तन प्राधिकरण द्वारा 5 महीने में पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से सज्जित ये भवन तैयार हुआ है। वेलकम हरदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर व्हाटएवर कंट्रीब्यूशन यू गिवन व्हेनेवर आई केम टू यू फॉर द लेटर फॉर एनी काइंड ऑफ appointment, and you always give me time, and whenever I spoke about the Gorakhpur airport, and you always very kind to me to listen to me, understand the problem and the demand of the public over here, because as you know sir, Gorakhpur is the only place right now in entire Uttar Pradesh which have loads of passenger going, almost 2500 passengers sir, so the demand is so much. Thank you for this extension of the building over here, because it was a demand of need and demand of, as you know, the Gita Maharaj ji has changed the entire thing. Lot of industrial areas there. Whenever I fly down from Delhi, I meet lot of industrial people over here, sir. So whenever, because lot of shooting is happening, tourist hub has become, people go from here to Bihar, people go from here to Nepal. So the connection of lot of flights from here, sir. So thank you so much that you really taken care, and sir, we started 14 flights. So today we got a evening flight 6 o'clock, which I am going back to Delhi to celebrate Holi with my children at 6 o'clock spice jet. That was amazing, sir. I just want to request you that one more flight we need is 8:30 or 8:40 last flight from here to Delhi. So it becomes, a person comes for industrial area, any work, it can finish from morning and go back in the evening. And sir, the demand is so much that you can see that the airport is small, and this extension of building is going to be the great help, sir. मैं धन्यवाद दूंगा पूज्य महाराज जी को कि महाराज जी आपने इस जगह को बदल दिया। धन्यवाद दूंगा पूज्य महाराज जी को दिल से कि महाराज जी आपने इस जगह को एक ऐसी दिशा दी कि इतने सारे जहाज, इतने सारे इंडस्ट्रियल एरिया सब के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट्स बढ़ गया, जहाज़ों का मूवमेंट बढ़ गया। और आज लखनऊ की, मैं चाहूँगा एक ज़ोरदार ताली हमारे पूज्य महाराज जी के लिए कि आज लखनऊ आप उड़ के चल जाइबा 40 मिनट में यहाँ से, तो चल 40 मिनट में जाइबा। और आज बहुत सारा लोग हिंदू युवा वाहिनी का भी और भाजपा का भी सब लोग उड़ के जाएगा और महाराज जी के साथ वहाँ नाश्ता करेगा, फिर वहाँ से लखनऊ से आएगा। कितना बम बम हो गया आप लोग का, होली मनवा दिए महाराज जी। पूज्य महाराज जी का एक नारा लगे के चाहिए, ऐसे लगे के चाहिए पूरी साहब के कि भैया हाँ, कि महाराज जी 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 जान लगा दे ताड़न हो। जितना इनकर जितना तारीफ करा उतना कम बा। तुम आज पूरी साहब आ गए वाड़न, और हमके मालूम बा कि पूरी साहब वी नीड, एक महाराज जी ने भी आपको ज़रूर बोला होगा एक अपराध हमको दे दीजिए। क्या एक तकलीफ ये होती है कि पूरी साहब जब भी जहाज एक बोइंग आता है और एक ATR आता है, और अगर दूसरा बोइंग आता है तो उसको ऊपर ही उड़ना पड़ता है 45 मिनट तक। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एयरफोर्स इज रेडी ओवर हियर। पूरी साहब खाली आपकी एक रजामंदी हो जाए रात के जहाज के लिए और एक अपराण बढ़ जाए हम लोगों के लिए, तो बहुत कृपा होगी, ताकि 2 बड़ा जहाज एक साथ आए या 3 जहाज एक साथ बड़ा बोइंग आए और एक दो ATR खड़े हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है अपराण की। और मैंने आपको दिया और महाराज जी ने भी बताया होगा, बस अपराण कर दीजिए, आप आ गए और हमको पता है अपराण भी मिल जाएगा, तो 2-3 बड़ा और जहाज खड़ा होगा।
तो बस यह बोलब और हम भारत माता की जय बोलब कहें कि इतना अच्छा समय बा होली पर महाराज जी कल 280 करोड़ का चिड़िया घर दे देना अशफाकुल्ला खान साहब का, उनके नाम पर दे देना, और आज एक नया बिल्डिंग हर आई तो यहाँ पर अब 10 काउंटर बनेगा, 4 काउंटर ऑलरेडी है तो आपके पास अभी 14 काउंटर होगा, तो आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप लोग अंदर आएंगे 10 काउंटर पे आप लोगों का इस बिल्डिंग में जहाँ पे आप लोग बैठे हैं इस वक्त 10 काउंटर पे आप लोगों की चेकिंग होगी, ये होगा कम्फर्टेबल, जनता बैठेगी भी, और फिर दूसरी बिल्डिंग का क्या करेंगे पूरी प्लानिंग है महाराज जी आप लोगों को बताएंगे। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, पूज्य महाराज जी को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि महाराज जी जब भी मतलब करके कही कि सांसद के रहल उ टाइम पे कुल काम रहे तो महाराज जी कुल आपा करो इला हमार पूरा हमके, तो धन्यवाद आपके महाराज जी। कि है गरज ऐसी, कि है गरज ऐसी कि सुनकर सारे दुश्मन ढेर हैं, दिख रहा है योगी मोदी भारत के दोसेर हैं, दिख रहा है योगी मोदी भारत के दोसेर हैं। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो देश में सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सभी राहत कार्यों की निगरानी स्वयं दिन रात जागकर की, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश इस महामारी से निपटने में अव्वल रहा है। आज जब देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है तो कोविड टीकाकरण में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़े सब जुड़े, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी और देश के दूसरे बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से उत्तर प्रदेश हवाई सेवाओं के विस्तार में पूरे देश में अग्रणी है। प्रदेश के नागरिकों को सस्ती, सुलभ एवं सुरक्षित हवाई सेवाएं प्रदान कराना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री नंद गोपाल गुप्त नंदी जी, श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्री रवि किशन जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री सीताराम जायसवाल जी, श्री एसपी गोयल जी, और मेरे साथ दिल्ली से आए एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष श्री अनुज अग्रवाल जी, श्री डीके कामरा जी, और अलायंस एयर की जो सीईओ है हरप्रीत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं शायद आपको ये आपके सामने ये मेरी जो फीलिंग है पहले भी रख पाया हूं, मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत मंत्रिमंडल में सही तरीके से हुई थी। 2017 के सितंबर 3 मुझे याद है जब मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मंत्रिमंडल में लाया, तो पहली टेलीफोन कॉल जो मुझे आई आपसे, क्योंकि आप लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे एक ही दो रोज बाद, और ये बात मैंने शायद आपसे पहले नहीं कही, जब मैं नया नया मंत्री बना था तो मेरे में थोड़ी चिंता थी, वो इसलिए क्योंकि पिछले 40 वर्ष जो थे मेरी प्रोफेशनल लाइफ के, वो मैंने फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति में, सिक्योरिटी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इन चीजों में बिताए थे, तो लोग पूछ रहे थे, उनका पूछना संभव भी जाहिर भी था कि भैया फॉरेन पॉलिसी से आदमी आके यहाँ क्या करने आ रहा है, क्योंकि उसको ये अर्बन एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स 3 अलग अलग मंत्रालय थी, और फिर जुड़े माननीय वेंकैया जी जब उपराष्ट्र बने, 2 थी तो 1 की गई। तो एक व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे जिनके साथ मैंने पिछले 2-2.5 साल काम किया था, उन्होंने कहीं बयान दिया, उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी भी थोड़ी चेंज हो गई है, ये आदमी वो है जब
भारत का स्थायी प्रतिनिधि था यूनाइटेड नेशंस में, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें 17 गोल्स हैं, जिसमें 6 का काम अर्बन और हाउसिंग अफेयर्स मंत्रालय करता है, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे किसी का सर्टिफिकेट चाहिए था, पर मुझे खुद लगता था कि मैं इतनी जल्दी कैसे समझ पाऊंगा। पर आपको मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने मेट्रो से शुरुआत की थी उस समय यूपी का शायद वो पहला मेट्रो लाइन था। आज यूपी में 80 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 130 किलोमीटर पे काम जोरों से हो रहा है। अभी मेरे साथी बता रहे थे नंदी जी कि जब प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि हवाई सेवा जो है, हवाई यात्रा एक इलिटिस्ट प्रोसेस की जगह उन्होंने कहा उड़े देश का आम नागरिक, तो हमने चालू की उड़ान की स्कीम। और मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूं और कहता हूं सब जगह जाके कि उड़ान की सफलता कई कारण है उसमें। एक तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसमें बहुत सहायता की, वायबिलिटी गैप फंडिंग में एयरपोर्ट्स ऑपरेटर्स ने की, पर आज जिस तेजी से उड़ान जो है आरसीएस के उड़ान बढ़ रही है, आज ही बता रहे थे आपकी यूपी में 5 जगह से नई फ्लाइट शुरू हो रही है, जो वर्ल्ड इसको कहते हैं इंटरनेशनल विमेन्स डे, हरप्रीत जी ने उस दिन ऑल विमेन क्रू बरेली की फ्लाइट चालू की। उसी समय करीब हमारी एयर इंडिया की जो एक नई हमने बंगलुरु से लेकर सैन फ्रांसिस्को जो नॉनस्टॉप फ्लाइट है शायद 17 घंटे की, उसमें भी सब महिला का क्रू था। तो देश की बहुत जो उन्नति है सब प्रकार हो रही है। और मैं आपके सामने सिर्फ एक ही बात रखना चाहता हूं कि जब नया नया मंत्री बना था तो मैंने कहा था कि ये सारे आंकड़े जो है ये एक ही तरीके से हम ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकते हैं कि यूपी के आंकड़े जो है इसको लीड करें। और आपको बधाई देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले जो सरकार थी, बड़ी कोशिश हुई दिल्ली के हमारे अधिकारियों द्वारा, टोटल डिमांड उन्होंने 17-18 हजार की भेजी, और आपके मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद मैं आप जो आंकड़े बताना चाह रहा हूं आपको, उस समय 18 हजार थी, आज यूपी में 17,75,000 से अधिक आवास ऑलरेडी सैंक्शन हो गए और इसमें से 12,56,000 ग्राउंड हो गए हैं और 7,03,254 लाभार्थियों को दे भी दिए गए। की कार्यपालक निदेशक महोदय श्री टी के कामरा सर के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय नागर विमानन मंत्री उत्तर प्रदेश श्री नंद गोपाल क्षेत्र श्री रवि किशन शुक्ल जी को उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय खंड में नई फ्लाइट के शुभारंभ का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तत्वावधान कार्यक्रम में गोरखपुर एयर टर्मिनल के विस्तारीकरण, गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर की इस नई वायु सेवा के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी नई वायु सेवा के प्रारंभ होने के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के नागर विमानन आवासन और शहरी कार्य मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी,
माने विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, महापौर सीताराम जायसवाल जी, चेयरमैन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्री अनुज अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री एस बी गोयल जी, निदेशक क्षेत्र कार्यपालक श्री डी के कामरा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उपस्थित सभी गोरखपुर के उपस्थित महानुभाव भाइयों बहनों, होली का पावन आयोजन है और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूर्वांचल वासियों को एक नया उपहार वायु सेवा के साथ साथ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की इस योजना के साथ यहां पर उपलब्ध हो रहा है। मैं इसके लिए भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्री सरदीप पुरी जी को सबसे पहले गोरखपुर आगमन पर बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज वे स्वयं ही यहां पर उपस्थित होकर के उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभेच्छा भी व्यक्त की और उत्तर प्रदेश के प्रति जो उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने वायु सेवा के विस्तार के लिए जो कार्य किया, आज से 4 साल पहले तक की स्थिति क्या थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो शेष अन्य जगह वायु सेवा की स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं थी और विगत 4 वर्ष के दौरान जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें भारत सरकार की नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा बहुत सकारात्मक रुचि ली गई। एयरफोर्स से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज थे उसमें भी एक सकारात्मक पहल हुई और वहाँ से भी हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला और उसके कारण आज न केवल गोरखपुर और आगरा में बल्कि प्रयागराज में, कानपुर में, बरेली, हिंडन में सफलतापूर्वक हम लोग वायु सेवा को आगे बढ़ाने में सफल हुए। यहां पर वायु सेवा सफलतापूर्वक इन सभी क्षेत्रों से बेहतर तरीके से संचालित हो ही रही है, लेकिन कोई कल्पना करता था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पे 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर हो, 2 फंक्शनल हैं, 3 पे वर्तमान में कार्य चल रहा है, कुशीनगर बनकर के तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी ही उसे अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ हम जोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर, अगर प्रदेश के अंदर अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर में बनाने जा रहे हैं और उन क्षेत्रों में जहां के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, सोनभद्र में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, ललितपुर और झांसी में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, सहारनपुर में, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, आजमगढ़, श्रावस्ती, यानी 17 ऐसे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जहां के बारे में कभी लोग सोचते भी नहीं थे कि यहां पर भी वायु सेवा उपलब्ध होगी। और ये इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब उड़ान योजना प्रारंभ हुई थी कि उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है, एक सामान्य नागरिक भी
जिसे हमें मानते थे कि हवाई चप्पल पहना है तो हवाई जहाज की यात्रा नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, उड़ान योजना का उद्देश्य ही होगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है, और आज वह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो वायु सेवा ही प्रारंभ हो रही है, अनुमान करिए गोरखपुर से लखनऊ का कुल किराया उसका 1500 के आसपास पड़ेगा, और अगर आप अपनी कार से ही लखनऊ जाएंगे तो आने जाने में कार में 700-800 रुपए तो केवल टोल का देना पड़ता है, और यहां पर केवल भाई ठीक है रवि किशन जी की बात छोड़ दीजिए, वे सांसद के नाते टोल नहीं देते होंगे लेकिन सामान्यतः आप अनुमान करिए कि 1500 रुपए में लखनऊ गोरखपुर की दूरी तय होना, ये प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को साकार करता है जो उन्होंने कहा था आज से 3 साल पहले कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी वायु सेवा कर सकता, हवाई यात्रा कर सकता है, और यह आज हर एक क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, कितनी वायु सेवा है, आज से गोरखपुर से 4 साल पहले केवल एक विमान सेवा थी गोरखपुर दिल्ली के बीच में, आज तो गोरखपुर मुंबई से भी जुड़ चुका है, बेंगलोर से जुड़ चुका है, हैदराबाद से जुड़ चुका है, कलकत्ता से जुड़ चुका है, और भी नई सेवाएं जुड़े, आज लखनऊ से जुड़ रहा है, फिर अहमदाबाद के साथ जुड़ने वाला है। यहां पर जो यात्रियों का लोड है, यात्रियों की संख्या है, उस यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख करके एक प्रयास हुआ कि इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, और मैं धन्यवाद दूंगा वायु सेवा जो वायुसेना से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण यहाँ पे गोरखपुर में हैं, प्रयागराज में हैं, और वायुसेना मुख्यालय में, जिन्होंने इसमें बहुत सकारात्मक सहयोग राज्य सरकार को दिया, और मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री नागर विमानन श्री हरदीप पुरी जी का, जिन्होंने तत्काल इस विस्तारीकरण के कार्य को सहमति देकर के आज इसके यहाँ पे शिलान्यास के कार्यक्रम में स्वयं पधारे हैं। मैं गोरखपुर की जनता की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, ये वायु सेवा केवल जोड़ने का ही माध्यम है, केवल हमारा समय ही बचत नहीं करती है, ये हमारे विकास को भी उतना ही गुना, उतनी तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आज गोरखपुर में हर एक ओर विकास के बारे में व्यक्ति के मन में एक नई धारणा पैदा हुई है, हर व्यक्ति विकास के बारे में अब चर्चा करता है, विकास के बारे में नई सोच, एक नए गोरखपुर को, एक नए उत्तर प्रदेश को, एक नए भारत को देश और दुनिया के सामने रखने का प्रयास है, और ये विकास की ये सोच वायु सेवा के साथ जब लोगों का जुड़ाव हुआ है, जो लोग पहले यहां से बेंगलुरु में, मुंबई में जाके निवेश वहां निवेश करते थे, अब आज उनके मन में आया कि नहीं, अब ये निवेश हम लोग गोरखपुर में करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में करेंगे, रोजगार वहां सृजन करेंगे, आज ढेर सारा विकास का जो कार्य दिखाई दे रहा है, ये विकास के कार्य के साथ उस सकारात्मक सोच का परिणाम है, और उस सकारात्मक सोच इस दिश से हम लोग आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। यहां पर जो सिविल टर्मिनल है, इसके विस्तारीकरण के कार्य का यहां पर आज ये कार्य संपन्न हुआ है, और मुझे प्रसन्नता है कि अब इस टर्मिनल बिल्डिंग में, नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने के साथ यहां पे एक समय में 200 यात्री एक साथ बैठने की क्षमता यहां पर हो जाएगी, और साथ साथ यहां पर और भी तमाम प्रकार की जो नई एयर कनेक्टिविटी की मांग उठ रही है उसको भी जोड़ने में हमें मदद मिलेगी। मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर एयरफोर्स का, जिन्होंने नए एप्रन के लिए भी अपनी स्वीकृति उपलब्ध करा दी है, और ये स्वाभाविक रूप से यहां की डिमांड थी, यहां की मांग थी, हम लोगों ने तो एयरफोर्स को नए ऑफर भी दिए हैं, उस ऑफर के साथ एयरफोर्स अगर आगे आता है तो राज्य सरकार इसमें एक सकारात्मक पहल करेगी, और यहाँ पे
एक कॉमन मैन को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन जो एक प्रयास इस समय भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है कि एयरफोर्स के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए हम सामान्य नागरिकों को भी अधिक से अधिक वायु सेवा की सुविधा का लाभ दे सकें, इसमें स्वाभाविक रूप से सिविल जो फ्लाइट हैं इनके खर्चे भी बचते हैं, बहुत सुविधाएं होती हैं, काफी उसका एक सकारात्मक परिणाम भी सामने आता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज होली का दिन है और होली में आज गोरखपुर से लखनऊ अलायंस एयर की वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है, प्रयागराज से भोपाल के लिए इंडिगो की, प्रयागराज से भुवनेश्वर की भी इंडिगो की वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है, आगरा से भोपाल और आगरा से बेंगलुरु की भी वायु सेवा आज प्रारंभ होने जा रही है। यानी आज उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में 5 स्थानों से देश के 5 अन्य स्थानों पे वायु सेवा के साथ जुड़ने की एक नई कार्रवाई आज होने जा रही है। और कल 29 को आगरा से मुंबई और आगरा से अहमदाबाद की भी इंडिगो की वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। पहले एक वायु सेवा के लिए हम तरसते थे कि जुड़ जाए, कोई एक जगह जुड़ जाए, लेकिन आज भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी कह रही है कि नहीं, जहां भी डिमांड होगी, जहां भी यात्री मिलेंगे और उन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख करके उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए समय की बचत भी हो और साथ साथ उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए हम लोग अधिक से अधिक विमानन सेवा उन क्षेत्रों के साथ जोड़ने की कार्रवाई करेंगे, एक सकारात्मक पहल विकास के प्रति और नए भारत को एक दुनिया की अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने का एक जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस प्रयास के क्रम में ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुरी जी को, उन्होंने उत्तर प्रदेश को जो एक सकारात्मक सहयोग दिया। मुझे याद है मंत्री बनने के बाद तत्काल मैंने फोन किया था और हम चाहते थे कि उसके अगले दिन ही लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ हो और मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा मैं जानता हूं आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, अभी आपने मंत्री पद की शपथ ली है और मैं चाहता हूं कल हम लोग लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ करें, इस अवसर पर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हों जिससे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो। और आज मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ मेट्रो सफलतापूर्वक फेज सेकंड के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो की सेवा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कानपुर, वहां बेहतरीन सेवा जनता को प्राप्त हो रही है। कानपुर और आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक मेट्रो वहां पर मेट्रो का शुभारंभ करने का हम लोग पूरी कार्य योजना अपनी तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है और मुझे लगता है देश का यह पहला 32,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जोड़ने की कार्रवाई बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों की दूरी को, यानी 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली की दूरी तय हो जाएगी, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। साथ साथ हम लोगों ने गोरखपुर का भी मेट्रो का पूरी कार्य योजना भारत सरकार में भेज दी है, बहुत जल्दी हम लोग चाहेंगे कि इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ाएं। वाराणसी में और बहुत ढेर सारे विकल्प हम लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, प्रयागराज का और भी अन्य शहरों के लिए मेट्रो की कार्रवाई को, झांसी है, मेरठ है, यहाँ पर भी हम इसको लाइट मेट्रो के साथ जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप याद करिए हर गरीब के पास 2022 तक अपने सिर को ढकने के लिए एक अच्छा घर हो, पहले व्यक्ति मांग करता था, आज सरकार ऑफर दे रही है कि अगर 3 लाख से कम उसकी वार्षिक आय है, उसके पास अपनी लैंड है, तो हम उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित कर सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आप यहां पर गोरखपुर में आए हैं और गोरखपुर में आप प्रधानमंत्री आवास योजना से चल रहे प्रोजेक्ट का निरीक्षण अपने सामने करने जा रहे हैं। इसके अलावा अमृत योजना के अंतर्गत भी जो कार्य चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर में भी आपने कुछ कार्यों का निरीक्षण का समय निर्धारित किया है। प्रदेश के अंदर 10 स्मार्ट सिटी वर्तमान में बन रही है भारत सरकार के सहयोग से। 7 नगर निगम ऐसे हैं जिन 7 नगर निगमों को हम लोग राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हमने राज्य सरकार की कार्य योजना के हिस्से में इसको लिया है और वही सुविधाएं हम वहां पर देने जा रहे हैं जो सुविधा भारत सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है, वही अन्य शहरों में भी उन कार्यों को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जल जीवन मिशन अब ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी बढ़ने जा रहा है और जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हमारी DPR की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मेरा विश्वास है कि हम लोग प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ देने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज आपने गोरखपुर के सिविल टर्मिनल के विस्तारीकरण के इस कार्य योजना के साथ यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मैं होली के अवसर पर अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके आपने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आज का इस समय यहाँ पर दिया है। मैं हृदय से आपका गोरखपुर वासियों की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रदेश में जो 5 नई वायु सेवा आज प्रारंभ होने जा रही है, गोरखपुर से, 2 प्रयागराज से, 2 आगरा से, इसके लिए मैं उन सभी नगरों के नागरिकों को भी, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा के अपने सभी नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल आगरा से 2 वायु सेवा, 1 मुंबई के लिए, 1 अहमदाबाद के लिए प्रारंभ होने जा रही है। वहां के भी नागरिकों को मैं फिर से कल होली के अवसर पर भी हृदय से बधाई देता हूं। मेरा विश्वास है होली का उत्साह, होली की उमंग हम सबको इन नई उपहार के रूप में एक नए उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए महायोगी भगवान गोरखनाथ के इस पावन धरती पर उनके आगमन के लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।